क्या आपके फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र अपडेट नहीं हो रहा है? अपडेट पे क्लिक करते हैं, कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि ये मेरा गूगल क्रोम ब्राउज़र है और मैं इस पे अपडेट पे क्लिक करता हूं तो अपडेट नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो मैं इस वीडियो में प्रोसेस बाई प्रोसेस बताया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मोबाइल सेटिंग है और इस पर मैं क्लिक कर दिया हूँ और आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आप देखेंगे आपने आपको मिलेगा यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन। ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऊपर में ही शो करेगा ऐप लिस्ट का ऑप्शन। ऐप लिस्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है टोटल ऐप यहाँ पर शो करेगा जो आपके फ़ोन में है। यहाँ पे आपको देखना है क्रोम ब्राउज़र ऐप को। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा क्रोम ब्राउज़र ऐप है, इस पर आपको क्लिक करना है। सॉरी दोस्तों, आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है प्ले स्टोर ऐप को। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। सर्च करना है प्ले स्टोर ऐप को। प्ले स्टोर ऐप को सर्च कर लेना है एंड उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर फोर्स स्टॉप कर लेना है। पहले आपको फोर्स स्टॉप करना है और उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको स्टोरेज यूसेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पहले क्लियर कैच कर देना है एंड उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको क्लियर डाटा कर देना है एंड ओके पे क्लिक करके आपको जो है क्लियर डाटा कर देना है। अब यहाँ से आप बैक आना है। आपको बैक आने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको एक और प्रॉब्लम आ सकता है, वो इंटरनेट से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे डाउन कर लेना है यहाँ पे और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना है। इससे क्या होता है कि छोटा मोटा जो भी ग्लिच हो जाता है कभी कभी फ़ोन में इंटरनेट से रिलेटेड, तो वो ठीक हो जाता है। और ये जो ग्लिच है वो कॉमन है, तो आप फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करेंगे तो ये ठीक हो जाता है। अब इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद मैं फिर से इसे ओपन करता हूँ क्योंकि इंटरनेट जो है अभी बंद है, तो थोड़ा देर में ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन पे मैं क्लिक करता हूँ एंड अब जो है ये प्ले स्टोर ऐप ओपन हो गया है और देखता हूँ कि अपडेट होता है या नहीं होता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब मैं ऐप माई ऐप एंड गेम के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब जो है यहाँ पे आपको दिखेगा पूरा ऐप अपडेट। आप देख सकते हैं कि अपडेट का यहाँ दिखा रहा है ऑप्शन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और दोस्तों जितना भी ऐप में अपडेट होगा वो टोटल शो करेगा और यहीं से मैं अभी क्रोम ब्राउज़र को अपडेट करूँगा। तो यहाँ पे जो है अपडेट में थोड़ा सर्चिंग हो रहा है क्योंकि अभी अभी मैं फ़्लाइट मोड ऑन ऑफ किया हूँ, तो नेटवर्क गया था और फिर से अभी एक्टिव हुआ है। तो यहाँ पर मैं फिर से इस पर जाता हूँ और अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो है अपडेट्स अवेलेबल हो चुका है और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि टोटल ऐप पे जो भी अपडेट आया है वो आ गया है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो है क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे अपडेट दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो है अपडेट होना शुरू हो चुका है। ये थोड़ा देर में इसी तरीके से अपडेट हो जाएगा। अगर आप में फिर भी अपडेट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको एक ट्रिक आजमाना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपडेट ऑल पे क्लिक करना है एंड अपडेट ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे थोड़ा देर में अपडेट होगा आप देख सकते हैं, और इसमें से दोस्तों सबको कैंसिल कर देना है ऐसे करके, और आपको सिर्फ छोड़ना है क्रोम ब्राउज़र ऐप को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से मैं यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ, सबको आपको कैंसिल कर देना है और आपको छोड़ना है सिर्फ क्रोम ब्राउज़र ऐप को। और उसको छोड़ने के बाद दोस्तों वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि क्रोम अपडेट हो रहा है और इसको छोड़ के अब बाकी बात सबको यहाँ पे जो है कट कर देना है। आप देख सकते हैं ये अपडेट हो रहा है। इसी तरीके से ये अपडेट हो जाए तो आप जो है यहाँ से बैक आ जाएंगे। फिलहाल दोस्तों मैं फिर से सबको कैंसिल कर देता हूँ, आप समझ गए हैं मेरे पॉइंट को। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।